ब्रिगेड श्याम बेनेगल सर के साथ की है, जय जवान जय किसान की है, एक 6 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी की है एलओसी ऑफ प्लेग्राउंड, जिसने अभी तक 15 अवार्ड ले चुकी है ये फिल्म। और आप तो बॉलीवुड, क्या सर बॉलीवुड में भी छाए हुए हैं, तो वैसे तो मतलब हर कहीं जहाँ पर भी आपने जो भी काम किया है हर किसी ने आपके काम को अप्रिशिएट किया है, तो यहाँ पर राम रतन की जो कैरेक्टर है आपका, राम रतन जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, उससे आप कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं? हम चैलेंजिंग एक्टर, आपको हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो जब मैंने वो अचीव कर लिया तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिस टाइम मैं हर टाइम एक नया किरदार प्ले करूं। ये तो एक किरदार था जो जीवन भर रहता, मेरा हमेशा से रहा है कि कुछ डिफरेंट करना है, हर बार कुछ ना कुछ अलग प्ले करना है। तो एक्टिंग से अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नज़र नहीं आया, तो ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है राम। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये कैरेक्टर भी सेम है कि एक जो हम जीवन भर जो निभाते हैं लोगों के सामने वो चेहरा होता है, और एक चेहरा जो हम अपने निजी जीवन में जो बहुत ही करीबी होते हैं हम उनके सामने जो रिवील करते हैं, तो उन दो चेहरों का आपस में कैसे जब एक चेहरा दूसरे चेहरे के सामने आता है तो क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से चीजें बदलती हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर के लिए क्या आप ढेर सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ढेर सारा कुछ अलग राइटर हैं, डायरेक्टर हैं जो पूरा सपोर्ट करते हैं कि क्या हम राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर आप अपना कैरेक्टर को डेवलप करते हो, काफी सारी चीजें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारी जो फूल है यहाँ पर डेजी शाह, उनसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से डेजी एक फूल पूरे चांद को महका लेता है, उसी तरीके से यहाँ अभी थोड़ा सा लेट तो आई है ये, लेकिन फिर भी इंतजार जो है हमारा अच्छा ही रहा, यू आर वर्थ वेटिंग। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर आके इस पूरे शाम को रंगीन कर दिया, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो डेजी जी ने पहली फिल्म में आकर अपने किरदार को इतनी अच्छी तरह से निभाया कि इन्होंने हजारों करोड़ों दिलों में अपनी जगह जो है वो बना ली है, तो यहाँ पर इस फिल्म में डेजी, इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक बहुत फॉर्चुनेट पे हूँ, जैसे मेरी फर्स्ट फिल्म थी उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर था, सेकंड फिल्म थी उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर था, दिस इज द थर्ड फिल्म दैट आई एम डूइंग एंड अगेन इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट कैरेक्टर। लाइक मेरी साउथ की फिल्म भी अगर देखे तो मैंने ये कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया, तो जैसे ऋषि ने जो कहा मैं उसी के एडिशन में कहूँगी कि ये जो दो पहलू हैं वो दोनों पहलुओं को सुधारती कैसे, वो मेरा कैरेक्टर। तो थोड़ा सा मतलब आपको क्या लगता है, आप अपने कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्या, आप इसके लिए जो है वर्कशॉप कर रही हैं, ढेर सारा इसके पीछे कैरेक्टर के लिए सोच रही हैं, अलग से जो है अपना इनपुट दे रही हैं, क्या क्या? सबसे अच्छी बात ये कैरेक्टर की ये है कि वो बबली है, लाइवली है और स्ट्रॉन्ग हेडेड भी है। तो रियल लाइफ में भी आप बड़ी बबली हैं, कैसे हैं आप रियल लाइफ में? बहुत शांत हूँ, मैं बहुत बोरिंग हूँ। जिसके बिना फिल्म जो है कहीं ना कहीं अधूरी रहती है।